से 7 किलोमीटर दूर खारी बांध 27 साल बाद ओवरफ्लो हुआ, जिसका पानी सुबह कस्बे के मध्य निकलने वाली खारी नदी में पहुंचा। पानी की आवक को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। इसके साथ ही महिलाओं ने नाचते गाते खारी नदी की पूजा अर्चना की। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और नदी के दोनों किनारे पर बैरिकेड्स को लगाकर आवागमन को बंद कर दिया गया। आखिर आशिन कस्बे वासियों के लिए शुभ घड़ी आई है और 27 वर्षों का वनवास टूटा है, खारी बांध ओवरफ्लो हुआ है। देखा जाए तो 1997 के बाद अब पहली बार खारी नदी का आवागमन हुआ है। कस्बे वासियों में पूरा उत्साह का माहौल है। महिलाएं यहां पर आकर खारी नदी की पूजा अर्चना की है और नाचती गाती हुई नजर आई है। जन टीवी के लिए